अस्सलाम वालेकुम, हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 188। हम सीख रहे हैं रूटीन्स 3। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स कर देंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। तो चलते हैं, देखते हैं क्या लेसन है। Se ponen los abrigos todas las mañanas. Se ponen los abrigos todas las mañanas. इसके माने होते हैं वो हर सुबह अपने कोट पहनते हैं। वो हर सुबह अपने कोट पहनते हैं। इसे जुमले किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? दे पुट ऑन देयर कोट्स एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह अपने कोट्स पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं। Señora, esta chaqueta es suya. Señora, esta chaqueta es suya. इसके माने होते हैं मैम, ये जैकेट आपकी है। मैम, ये जैकेट आपकी है। इसे जुमले को किस तरह बोला जाएगा इंग्लिश में? मैम, दिस जैकेट इज़ योर्स। मैम, ये जैकेट आपकी है। थोड़ी सी स्पेनिश को समझ लेते हैं। सेनोरा के माने होते हैं खातून या मैम। ऐसा माने होता है ये। चकेता कहते हैं जैकेट को, इसके माने है। और सुइया, इसके माने होते हैं आपका या उसका। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से योर्स? योर्स को आप कैसे कहते हैं स्पेनिश में? योर्स के माने होते हैं आपका। तो योर्स को हम स्पेनिश में क्या बोलेंगे? सुइया। सुइया। आगे बढ़ते हैं। अकेल कारो इज नुएस्ट्रो। अकेल कारो इज नुएस्ट्रो, इसके माने होते हैं वो कार हमारी है। वो कार हमारी है, इस जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इस पर इंग्लिश में? दैट कार इज आवर्स। वो कार हमारी है। थोड़ी सी स्पेनिश को समझ लेते हैं। अकेल के माने होते हैं वो, कारो माने कार, इसके माने है, नोस्त्रो माने होते हैं हमारा, हमारी, हमारे। आगे बढ़ते हैं। Aquellos vestidos son tuyos. Aquellos vestidos son suyos. इसके माने होते हैं वो कपड़े, वो कपड़े आपके हैं। वो कपड़े आपके हैं, इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? सॉरी, इसको दोबारा करते हैं। Aquellos vestidos son tuyos. Aquellos vestidos son tuyos. इसके माने होते हैं वो कपड़े आपके हैं। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? Those dresses are yours. वो कपड़े आपके हैं। थोड़ी सी स्पेनिश को समझ लेते हैं। Aquellos के माने होता है वो। Vestidos कहते हैं कपड़ों को। Son के माने हैं। Tuyos, tuyos के माने होते हैं आपके। हाउ डू यू से योर्स? योर्स को आप कैसे कहते हैं? योर्स के माने होते हैं आपके या आपकी। तो योर्स को हम स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Tuyos. Tuyos. आगे बढ़ते हैं। En verano no nos ponemos las chaquetas. En verano no nos ponemos las chaquetas. इसके माने होते हैं हम गर्मियों के मौसम में जैकेट नहीं पहनते हैं। जैकेटें नहीं पहनते हैं। हम गर्मियों के मौसम में जैकेटें नहीं पहनते हैं। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? इन समर वी डोंट पुट ऑन जैकेट्स। हम गर्मियों के मौसम में जैकेट्स नहीं पहनते हैं। थोड़ी सी स्पेनिश को समझ लेते हैं। इन वेरानो, इसके माने होते हैं गर्मियों, गर्मियों में। नो नोस पोनेमोस, हम नहीं पहनते हैं। लास्ट चकितास, जैकेटें। आगे बढ़ते हैं। Ellos se sienten mejor ahora. इसके माने होते हैं वो अब बेहतर महसूस करते हैं। वो अब बेहतर महसूस करते हैं, इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? They feel better now. वो अब बेहतर महसूस करते हैं। किसकी थोड़ी सी स्पेनिश समझते हैं। Ellos se sienten mejor ahora. Ellos se sienten mejor ahora. Ellos के माने होते हैं वो। Se sienten, बेहतर महसूस करते हैं। Ahora, अब।
वो अब बेहतर महसूस करते हैं. दे फील बेटर नाउ. Nos sentimos un poco cansados. Nos sentimos un poco cansados. इसके माने होते हैं हम थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं. हम थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं या हम थोड़ी थकन महसूस करते हैं. इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? We feel a little tired. हम थोड़ी थकन महसूस करते हैं. थोड़े से स्पेनिश को समझते हैं. Nos sentimos un poco cansados. Nos sentimos हम महसूस करते हैं un poco थोड़ा सा cansados थका थकन. हम थोड़ी थकन महसूस करते हैं. We feel a little tired. Nos sentimos muy felices. पहले इसको तरतीब से लिखते हैं. Nos sentimos muy felices. Nos sentimos muy felices. इसके माने होते हैं हम बहुत खुशी महसूस करते हैं. हम बहुत खुशी महसूस करते हैं. इंग्लिश में बोलेंगे We feel very happy. हम बहुत खुशी महसूस करते हैं. That car is yours. इसके माने होते हैं वो कार आपकी है. सॉरी, that car is yours. That car is ours. इसके माने होते हैं वो कार हमारी है. वो कार हमारी, इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा स्पेनिश में? देखते हैं इनमें से कौन सी सही ट्रांसलेशन है. सही ट्रांसलेशन है ये वाली. अकेल कारो एस नोएस्त्रो. अकेल कारो एज नोएस्त्रो. वो कार हमारी है. इंग्लिश में बोलेंगे That car is ours. आगे बढ़ते हैं. पेयर मैच करते हैं. क्लास को क्या बोलते हैं हम स्पेनिश में? क्लास है. Yours. Yours के माने होते हैं आपका. तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Tuyos. Tuyos. With. With के माने होते हैं साथ. तो स्पेनिश में क्या होगा? Con. Boy के माने होते हैं लड़का. तो स्पेनिश में? Niño. टीचर. टीचर के माने होते हैं उस्ताद. तो स्पेनिश में क्या होगा? Maestro. Maestro. आगे बढ़ते हैं. वी ऑफन पुट ऑन बूट्स. वी ऑफन पुट ऑन बूट्स. इसके माने होते हैं हम अक्सर बूट्स पहनते हैं. हम अक्सर बूट्स पहनते हैं. इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में? देखते हैं इनमें से कौन सी सही ट्रांसलेशन है. सही ट्रांसलेशन है ये वाली. Nosotros a menudo nos ponemos botas. हम अक्सर बूट्स पहनते हैं. We often put on boots. आगे बढ़ते. What are you putting on today? इसके माने होते हैं आज आप क्या पहन रहे हैं. आज आप क्या पहन रहे हैं. इसी जुमले को हम किस तरह बोलेंगे स्पेनिश में? देखते हैं इन तीनों में से कौन सी सही ट्रांसलेशन है. सही ट्रांसलेशन है ये वाली. के से पोनेन उस्तेदेस होए. के से पोनेन उस्तेदेस होए. आज आप क्या पहन रहे हैं. इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू पुटिंग ऑन टुडे. आगे बढ़ते हैं. वी फील वर्स नाउ. इसके माने होते हैं हम अब बदतर महसूस करते हैं या हम अब और बुरा महसूस करते हैं. इसी जुमले को हम किस तरह बोलेंगे स्पेनिश में? देखते हैं इनमें से कौन सी सही ट्रांसलेशन है. सही ट्रांसलेशन है ये वाली. नोस सेंटिमोस प्योर आवरा. नोस सेंटिमोस प्योर आवरा. हम अब और बुरा महसूस कर रहे हैं या करते हैं या हम अब और बदतर महसूस करते हैं. इंग्लिश में बोलेंगे वी फील वर्स नाउ. आगे बढ़ते हैं. द जैकेट इज हिज. इसके माने होते हैं जैकेट उसकी है. जैकेट उसकी. ऐसी जुमले को किस तरह बोलेंगे स्पेनिश में? द जैकेट को क्या बोलेंगे? ला चैकेटा. इसको एस
इसको सुया। ला चकेता इज सुया। जैकेट उसकी है। द जैकेट इज हिज। आगे बढ़ते। दे फील बैड दिस मॉर्निंग। इसके माने होते हैं वो आज आज सुबह बुरा महसूस कर रहे करते हैं। वो आज सुबह बुरा महसूस करते हैं। इसे जुमले को हम किस तरह बोलेंगे स्पेनिश में? देखो क्या बोलेंगे? Ellas. Ellas. Sienten mal. Excuse me. Sienten mal. Se sienten mal esta mañana. Ellas se sienten mal esta mañana. वो आज बुरा महसूस आज सुबह बुरा महसूस करती हैं। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? दे फील बैड दिस मॉर्निंग। तो आज का लेसन अगले लेसन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।